कहाँ कहाँ हो? हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग में जाने वाले हैं मिर्जापुर के लखनिया डेयरी, जो कि लगभग वाराणसी से 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है, और जो हमारे घर से चोलापुर धरसौना से आपको बता दें कम से कम 60 से 70 किलोमीटर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ का आपको व्यू दिखाने वाले, वहाँ का नज़ारा दिखाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कराना भूलें। तो फ्रेंड्स, फटाफट चलते हैं, नहा धोकर रेडी होते हैं, आप वहाँ का लोकेशन, वहाँ का व्यू दिखाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड, नहा धोकर रेडी हुआ, हम लोग निकल चुके हैं, बाइक से निकले। फ्रेंड, आप देख सकते हैं सुबह सुबह का फुहार है, कोई गाड़ी हो रहा होता नहीं चल रहा है इस रोड पर। तो फाइनली फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं बनियापुर पहुँच चुके हैं। अब बनियापुर से हम लोग लेफ्ट साइड सारनाथ से होते हुए हम जाएंगे लोग। फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ से घूमेंगे हम लेफ्ट से निकलेंगे सारनाथ में। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं सारनाथ के लिए यहाँ से फिर आप राइट घूमेंगे। फ्रेंड, राइट होते हुए सीधे सारनाथ से सीधे जाएंगे हम लोग निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आपको वीडियो पेंटिंग बने दिखाते हैं आपको नज़ारा, और रोड के भी वहाँ का सीन दिखाते हैं। चलते हैं फटाफट से। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं पहुँच गए हम सारनाथ बाज़ार, डाक चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो में जो राइट साइड में दिख रहा है सीता की रोशनियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिला, साथ साथ सारनाथ में पड़ता देख सकते हैं यहाँ पर जो पड़ रहा है सीता रोशनियाँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे कुछ काम जारी भी है, जो कि हम लोग पुराने पुल से डाक के कजाकपुर से गए हैं, देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर राजघाट पहुँच चुके हैं, राजघाट पुल से सीधे जाएंगे पड़ाव के लिए, पड़ाव से घूमेंगे राइट साइड, राइट साइड से सीधे चलेंगे हम सीधे मिर्जापुर लखनिया देवी के पास। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यह प्राकृतिक झरना वाराणसी से शक्ति नगर जाने वाले मुख्य मार्ग के से शुरुआत नहीं पड़ता है। मिर्जापुर के नायापुर से लगभग 30 किलोमीटर से दूरी कम दूरी पर यह खूबसूरत झरना स्थित है। पूर्वांचल में कम बरसात होने के कारण पिछले 2 महीने में यहाँ पर्यटक कम आए हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं, आप लोग चल के दिखाते भी हैं कि इस बार पर्यटक आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि कम बरसात इस बार हुई है इसीलिए ज़्यादा पर्यटक आए नहीं है, खुला है कि बंद है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो लखनिया देवी का पुल है जो पहले पड़ता है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आपको दिखाते हैं। बरसात कम होने के कारण से यहाँ पर बहुत काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी बहुत कम पर्यटक आए हैं, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं दिख रहा है। आपको अंदर भी लिख दिखाते हैं आए हैं कि नहीं आए हैं, बरसात हुआ है कि नहीं हुआ है, झरना चालू है कि बंद है, कोई जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं लोग आपको अंदर। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी उतना पर्यटक नहीं आया है इस वीडियो में, देख सकते हैं पानी भी नहीं है, ज़्यादा बरसात हुआ ही नहीं तो कहाँ से ज़्यादा पानी आएगा। तो यहाँ पानी को लेकर भी पर्यटक काफ़ी नहीं आए हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी कम बरसात हुआ है। लेकिन चलते हैं, आपको वहाँ पूरी जानकारी आपको देते हैं इस वीडियो में, दिखाते हैं और आगे आगे चलकर। तो फ्रेंड, आपको बता दें लखनिया देवी झरना लगभग 150 मीटर की ऊंचाई से एक कुंड पानी गिरता है, जो काफ़ी गहरा है। मानसून के दौरान यह झरना और अधिक सुंदर और शानदार दिखता है। इस झरने के पानी को अहरौरा बांध में संग्रहित किया जाता है, जिसका उपयोग आसपास के गांव खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आगे आगे लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, काफ़ी समय बरसात हुआ ही नहीं तो पानी कहाँ से दिखेगा, उन्हें ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए हैं, काफ़ी जनता यहाँ पर भीड़ दिख रही है। चलते आके आगे दिखाते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, जो यहाँ का चूना दरी है वो बंद है, अलाउ नहीं है, क्योंकि 8 लोग यहाँ पर 9 लोग मर चुके थे, इसीलिए यहाँ जो चूना दरी आगे का जो फाल है, जो वाटरफॉल गिरता है, वहाँ का बंद है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर तैनात है, मना कर रहे हैं कि आगे जाना मना है। यहाँ पर जो पत्थर भी है, पत्थर पर भी लिखा गया है, दिखाते हैं आपको पत्थर पर जो है, यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं सावधान लिखा गया है, इस पर लिखा है कि फ्रेंड्स आगे जाना सख्त मना है। तो फ्रेंड्स, जो चूना दरी देखते हैं, जो वाटरफॉल गिरता है, बहुत काफ़ी अच्छा वहाँ नज़ारा रहता है, उसी जगह 8-9 लोग मर चुके थे, इसलिए वहाँ का अलाउ नहीं है, प्रशासन नहीं जान दे रहे हैं। और यहाँ पर जो काफ़ी पर्यटक कम है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो में, अकेले हम वीडियो शूट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा शूट मैं यहाँ पर किया। और आपको बता दें कि जो यहाँ का जो झरना है, पानी की वजह से उतना झरना नहीं गिर रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।